अरे उल्लू के पट्ठो, तुम लोगों ने अभी तक काम क्यों शुरू नहीं किया? काम बगैर ही पैसा चाहिए क्या? आज अगर गड्ढा नहीं खुदा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। माई बाप, यह अफसर तो हमें खुदाई करने से मना कर रहा है। कौन है तू? जो हमारे आदमी को काम करने से मना कर रहा है। बताओ बताओ क्या रे, तेरा दिमाग घास चरने गया है? काम क्यों रोक रहा है? मैं काम नहीं रोक रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज बात ही ऐसी है कि दोस्तों, आज मेरे घर से थोड़ी दूर एक ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ पर शूटिंग होने वाला है। किस चीज़ का शूटिंग होने वाला है, कैसे शूटिंग होने वाला है, ये सब कुछ ज़रूर आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो चलिए, वहाँ पर हम आपको लाइव दिखाते हैं क्या चीज़ कैसे होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी बाइक की तरफ चल रहे हैं। ये मेरा घर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं और ये मेरी बाइक खड़ी है और मेरा कुर्सी है। तो चलिए हम बाइक की तरफ चलते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 9:02:11 होते हैं। अरे यार, इस आदमी को ना समय की कोई कीमत नहीं है। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम तो समय से होना चाहिए ना। वक्त रहते अगर कोई काम ना हो पाए तो बाद में पछताने की बारी आ सकती है। बोलो भाई, अब ये जनाब फोन भी नहीं उठाते। अब हो सकता है कि शायद गाड़ी चला रहा हो इसलिए नहीं उठाता होगा, हो सकता है। ओ भाई, अरे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं यार? जी हम पतलून की सिलाई कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हो भाई? तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा इस औजार से क्या होता है? इससे चूल्हे पे रोटियां तो पकाई नहीं जाती ना। अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम लोग गड्ढा खोद रहे हो, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? क्योंकि हमें वहां दूर एक दीवार बनानी है, इसलिए यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में क्या करोगे? दीवार को यहां से वहां तक लकड़ी से आधार दोगे क्या? अरे क्या मगजमारी है यार। देखो भाई, हमें यहाँ 2 हाथ गड्ढा खोदने को कहा गया है, हमें तो ये खुदाई करके अपना रोज लेके चला जाना होता है, बाकी हमें कुछ पता नहीं होता। समस्या यही है कि आपको कुछ पता ही नहीं होता। देखो मेरे भाई, जिस जगह पर ऐसे निशान गड़े हो वहां आप ऐसे ही खुदाई नहीं कर सकते। निशान? कैसे निशान? क्या मतलब कैसे निशान? ये देखो, ऐसे ऐसे निशान। वही तो पूछ रहा है, कैसे निशान और कैसी बात। मालिक अपनी जमीन पे ऐसे निशान बनाते रहते हैं, खुद की जमीन खुद का निशान, उससे क्या डरना? अरे ओ पहलवान की औलाद, घबराने का नहीं का क्या मतलब? जहां जहां ऐसे निशान बनाए गए हैं वहां खुदाई करने से डरना जरूरी है। अगर डर कर नहीं रुके ना तो हमेशा के लिए हम डरे इससे। ये देखा है, ये भी है, हम ऐसे ही किसी से नहीं डरते, क्या समझे बाबू? अरे तुम्हारे ये औजार कुछ काम नहीं लगेंगे। क्यों भाई, ये हमसे ज्यादा ताकतवर है क्या? ये हमें मारेगा क्या? हाँ, इसमें आपसे ज्यादा ताकत है, मगर आपको मारने की नहीं, आपको बचाने की। मतलब? मालिक आप कहना क्या चाह रहे हो? ये देखो क्या लिखा है इस पर। पढ़ना लिखना अगर हमारे पल्ले पड़ता तो अफसर ना होते आपके जैसे। अरे भाई, मैं कोई अफसर नहीं हूँ। पहना वैसे तो आप अफसर ही लग रहे हो।
हमारे लिए तो पतलून वाले सब लोग अफसर। अरे भाई पढ़ना नहीं आता मगर इसका रंग तो दिखाई देता है ना। हाँ माई बाप ये पीला रंग है। हाँ बस बस तो फिर अब इतना याद रखो कि जहां जहां पर ऐसे पीले निशान बनाए हैं ना वहां पर अब से खुदाई करना मना कर देना। अच्छा और फिर जमींदार दूसरे मजदूर से खुदाई करवा देगा। मालिक हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो। ये देखो ये जो लिखा है ना ये तो फोन नंबर है साहब। क्या आप भी। अरे तेरी हाँ वही ये फोन नंबर है ना तो इस नंबर पर फोन करे बगैर खुदाई करने के लिए मना कर देना। पहले इस नंबर पर फोन करवाना फिर खुदाई। वो भला क्यों। ये जो निशान है ये गेल कंपनी का है और ये कंपनी बहुत ही ऊंचे दबाव वाले गैस को एक जगह से दूसरी जगह पाइप से बेचते हैं और ये पाइपलाइन जमीन में दो हाथ नीचे बिछाई जाती है। ये पाइपलाइन जहां जहां से गुजरती है वहां थोड़े थोड़े अंतर पर ऐसे निशान बनाए जाते हैं इसलिए वहां पर खुदाई से पहले ही हमें पता चल जाता है और पता चलते ही हमें इस नंबर पर कॉल करना रहता है। वो तो खुदाई करते वक्त हमें पता चल ही जाता है त्रिकम की आवाज जो आती है। हाँ बस वही वो आवाज ही तो नहीं आनी चाहिए उसका ही तो ध्यान रखना है। इस पाइप में बहुत ही ऊंचे दबाव से मीथेन गैस पसार हो रही होती है और अगर पाइप फूटा ना तो बम फूटने जैसी स्थिति हो जाती है। जान के लाले हो सकते हैं लाला और कुदरत पे भी खतरा है। अरे साहब ये अगर बम ही है तो कहीं पे भी क्यों लगा रखा है कुछ लगे बगैर फूट गया तो। अरे भाई अगर तुम ये सोच सकते हो तो पाइप बिछाने वाला नहीं सोचेगा। यह सभी पाइप बिल्कुल सुरक्षित है अंदर से और बाहर से दबाव लेने के लिए पर्याप्त मजबूत है मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर दो। अरे मगर ऐसे बम के जाले बिछाने की जरूरत ही क्या है। अगर हम इससे छेड़खानी ना करें तो ये सालों साल टिक सकती है। इसे लगाने से इसमें से गैस एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी एवं तेजी से भेजी जा सकती है जो सुरक्षित भी है और इससे सरकार को भी पैसों में बहुत बचत होती है। अरे उल्लू के पट्ठो तुम लोगों ने अभी तक काम क्यों शुरू नहीं किया। काम बगैर ही पैसा चाहिए क्या। आज अगर गड्ढा नहीं खुदा तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। माय बाप यह अफसर तो हमें खुदाई करने से मना कर रहा है। कौन है तू। जो हमारे आदमी को काम करने से मना कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने के कारण हम इसको एक पार्ट में नहीं डाल सकते। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और इससे ज़्यादा कई ज़्यादा गुना दोस्तों उसमें आपको इन्जॉय मिलेगा। तो आप जा करके इसी चैनल पर सेकेंड पार्ट आप देखिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।